वेरी गुड मॉर्निंग दोस्तों, कोंकण राइड के आज डे थ्री में आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है। दोस्तों आज की जो राइड है हमारी गणपति फुले से सीधे कराड़ की ओर होने वाली है, जो कि करीब करीब 173 किलोमीटर 173 किलोमीटर है, यानी कि सेम हम शाम को आज भी करीब करीब 5-6 बजे के आसपास कराड़ पहुंचेंगे। तो एज यूजुअल हर बार की तरह दो दिनों से हम राइड ही राइड कर रहे हैं, तो आज ही हमारा ये तीसरा दिन है। आज के दिन भी राइड करने का उतना ही मजा आने वाला है, क्योंकि रास्ता काफी खूबसूरत है, बेहद खूबसूरत लोकेशंस है। हम अलग अलग जगहों पर रुक के फोटोग्राफी भी करेंगे, नाश्ता भी करेंगे, लंच भी करेंगे। तो दोस्तों ये बहुत एक्साइटेड होने वाला, मैं कहूंगा कि आप इस राइड को अंत तक देखें। इस वक्त मेरे साथ में KTM से जो इनके मैकेनिक है, जो थ्रू आउट द राइड हमारे साथ में थे, जिसका नाम दिवेश है, वो इस वक्त मेरे साथ में है। तो मैं आपको बताऊं कि सर KTM वाले किस तरीके से राइडर्स का एवरी डे यहाँ पे बाइक्स का ध्यान रखते हैं। तो दिवेश का ये जिम्मेदारी है कि वो चारों दिन बाइक्स की कंडीशन एवरी डे चेक करे, मेंटेन करे। तो मैं दिवेश से बात कराता हूँ कि वो उनका रोज का काम क्या होता है यहाँ पे बाइक्स के बारे में और किस तरीके से वो बाइक्स का ध्यान रखते हैं। अरे दोस्तों मिलता हूँ आपको दिवेश से। हाय, मेरा नाम है दिवेश, मैं KTM का टेक्नीशियन हूँ और मेरा काम है डेली का बाइक्स को चेक करना, क्लच प्रॉपर क्लच है कि नहीं, सेटिंग प्रॉपर है कि नहीं, चेन सेटिंग क्लिक करना, क्लीन लूप सब करना, उसका वॉशिंग सब ए टू जेड। मतलब गाड़ी में कुछ तकलीफ आती है तो मेरे को चेक करना रहता है। एवरीडे आप बाइक चेक करते हो सुबह मॉर्निंग को? एवरीडे कितने बजे उठ जाते हो आप सुबह? 5 बजे 5 बजे उठ के ये काम करते हो एवरीडे? और चेन ल्यूब्स वगैरह ब्रेक्स वगैरह सब कुछ चेक करते हो? बहुत बहुत धन्यवाद दिवेश जी आपका। चलिए दोस्तों ज्यादा वक्त बर्बाद न करते हुए चलता हूँ ब्रेकफास्ट के लिए, और ब्रेकफास्ट के बाद हम लोग शुरू करेंगे आज डे थ्री की राइड कराड़ के लिए। मिलते हैं राइड पे। दोस्तों इस वक्त मैं गणपति फुले पे मौजूद गणपति जी का एक मंदिर है, जिसके दर्शन के लिए अपने दोस्तों के साथ में आया हूँ। वैसे भी कहते हैं ना कि हर अच्छे काम की शुरुआत, एक नए काम की शुरुआत गणपति जी का नाम लेके ही करना चाहिए दोस्तों। तो आज की राइड जो कोंकण राइड थी हमारी, उसका तीसरा दिन है, और तीसरे राइड की शुरुआत करने से पहले हमने सोचा क्यों ना गणपति जी का दर्शन किया जाए, उनका आशीर्वाद लेके ही हम आज की ये कराड़ की टूर जो हमारी राइड है उसको शुरू करें। दोस्तों बहुत ही पुराना मंदिर है और बहुत ही अद्भुत मंदिर है, मैं आपको अंदर ले चलता हूँ और आपको भी मेरे साथ में गणपति जी के दर्शन कराता हूँ। चलिए दोस्तों मंदिर के अंदर चलते हैं। दोस्तों मेरे YouTube चैनल परेश जैन में फिर से आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज KTM की कोंकण राइड का तीसरा दिन है, डे थ्री है, और इस डे थ्री में आपका मैं तहे दिल से स्वागत करता हूं। दोस्तों आज डे थ्री में जो राइड है वो गणपति पुले से सीधे हम जाने वाले कराड़ की ओर, और ये रास्ता बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही सीनिक ब्यूटी से भरा है। इस पूरे वीडियो को शूट करके मैं जल्द ही अपलोड करने वाला हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो बहुत अच्छा लगेगा, और अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो चलिए दोस्तों चलते हैं सीधे राइड के लिए।
एक और महत्व की बात दोस्तों इस वक्त मैं आप सभी के साथ में शेयर करना चाहूँगा जो मुझे कल पता चली है। राजीव सर के मुताबिक आप सभी को जो सेफ्टी गियर्स होते हैं वो 4 साल से अधिक उनका इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, यानी कि हर 4 साल में आपको अपने सेफ्टी गियर्स अगर वो डैमेज नहीं भी होते हैं तो उन्हें बदल देना चाहिए। किसी भी सेफ्टी गियर्स की जो उम्र है वो 4 साल से अधिक नहीं होती, भले उन्हें कोई भी प्रॉब्लम ना हो तब भी आपको उन्हें चेंज करना है। यहाँ तक कि हेलमेट के बारे में तो ऐसा कहा जाता है कि अगर हेलमेट एक बार भी आपके हाथ से वो ज़मीन पे गिर गया तो दूसरी बार आपको हेलमेट यूज़ नहीं करना चाहिए। दोस्तों मानता हूँ कि सेफ्टी गियर्स बाइक के बहुत महंगे आते हैं, 10-12 हज़ार के जैकेट, हेलमेट 4-5 हज़ार के और दूसरी भी साफ़ी काफ़ी सारी एक्सेसरीज महंगी होती है, लेकिन जान है तो जान है, इसलिए 4 साल के बाद उनको आप तुरंत चेंज कर लें। दोस्तों अभी एक बहुत ही बुरी खबर आई है, राजीव सर को एक कॉल आया है और मालूम पड़ा है कि एक लड़का जो हमारे साथ में इस वक्त राइड पे था उसकी बाइक स्किट हो चुकी है और शायद उसे लगी भी है बहुत ज़ोरों की। मुझे एक्चुअली में अभी तक नहीं पता कि उसके साथ में एक्चुअली क्या हुआ, लेकिन इतना ही पता चला कि टर्निंग के ऊपर उसकी बाइक स्किट हो गई और वो गिर गया है। तो राजीव सर अभी हमें यहाँ पे बीच में रोक के तुरंत उसकी ओर गए उसे देखने के लिए, उसका हालचाल देखने के लिए। जैसे कुछ अपडेट होता है मैं अपडेट लेके मैं बोलूँगा कि क्या हुआ है, लेकिन ये बहुत दुख होता है जब राइड के दरमियान ऐसी कोई घटना किसी के साथ घटती है और कोई किसी का बाइक स्केट हो जाता है, उसे चोट लगती है, तो ये सुन के खुद के लिए भी कभी डर का एहसास शुरू हो जाता है। लेकिन मैं फिर कहूँगा कि कहीं ना कहीं अधिकतर केसेस में ऐसा होता है कि हमारी खुद की कुछ मिस्टेक होती है जिस वजह से ऐसा कोई हादसा घटता है, लेकिन इस वक्त मैं ज़्यादा कुछ इस बारे में टिप्पणी नहीं करूँगा। और मैं दुआ करता हूँ कि हमारे दोस्त के ज़्यादा चोट ना लगी हो और वो जल्दी ही ठीक हो जाए और हमारी राइड ये कंटिन्यू हो। जो भी अपडेट्स रहेगा मैं फिर से आपको इस वीडियो में डालूँगा। अभी इन्फॉर्मेशन मिली है कि विनायक एकदम परफेक्ट है, बाइक से गिर गया है, उसके दोनों पैर पर ज़रा भी चोट नहीं आई और चोट नहीं आने की वजह यही कि उसने सेफ्टी गियर्स पहने थे। दोस्तों मैं यही कहूँगा कि जब भी आप कभी बाइक राइडिंग पे निकलो तो सेफ्टी गियर्स को पहले पहनिए। नी पैड पहनने की वजह से वो आज बच गया है, उसके दोनों पैर सही सलामत है। जो डैमेज हुआ है वो बाइक का डैमेज हुआ है और बाइक में भी कोई ज़्यादा नुकसान नहीं हुआ है, बस उसका गियर लीवर जो है वो टूट चुका है, बुरी तरह से डैमेज हो चुका है। तो मैकेनिक साथ में है, कोई बड़ी दिक्कत वाली बात तो नहीं लग रही और मुझे लगता है कि राइड भी हमारी कंटिन्यू रहेगी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर से एक बार कहूँगा कि दोस्तों जब कभी भी आप बाइक राइडिंग के लिए निकलो तो अच्छे कंपनी के गियर्स पहनिए और वो पहन के ही राइडिंग के लिए निकलिए। दोस्तों ये वही बाइक है जिसका अभी एक्सीडेंट हुआ था, हमने हमारे दोस्त को तो एक दूसरी इनोवा कार में बिठा दिया जो हमारे साथ में थी और इस बाइक को दिवेश जो हमारे मैकेनिक है इस पूरे टूर के दरमियान इन्होंने इस बाइक को ठीक कर दिया है। आप देख सकते हो कि राइट साइड से बाइक पूरा गिरने की वजह से घिस चुका है और इसका गियर का लीवर भी टूट चुका है, पर फिर भी दिवेश ने इसे रेडी कर दिया है और इस बाइक को अभी राइड करके वही मुंबई तक हमारे साथ में इस बाइक को ले जाएंगे। दोस्तों आज का जो लंच का प्रोग्राम है वो हमारा राजधानी पे है, राजधानी होटल जो है हाईवे पे चिपलून में मौजूद ये होटल है, राजधानी थाली रेस्टोरेंट। इस होटल का फूड बहुत अच्छा है जैसा कि मुझे काफ़ी लोगों ने कहा है, तो बस इस होटल में जाके आज का लंच करेंगे। वैसे निर्धारित समय से बहुत देरी हो चुकी है, लेकिन फिर भी भूख लगी है तो खाने का तो मज़ा आने वाला है, वो भी राजधानी का खाना हो तो और भी ज़्यादा मज़ा आने वाला है। तो चलिए दोस्तों मैं आपको राजधानी होटल में अंदर ले चलता हूँ और इस होटल का एक टूर कराता हूँ किस तरीके से का होटल है और क्या फूड हम लोग यहाँ पे आज खाने वाले हैं। यकीन मानिए दोस्तों राजधानी का खाना बहुत ही ज़्यादा लजीज था, बहुत ही टेस्टी था
और राजधानी की यही एक ब्रांच का नहीं, मगर पूरे मुंबई में किसी भी राजधानी की बात करो तो उसका खाना बहुत ही अच्छा होता है। और जब आप थाली लेते हो, राजधानी में अक्सर थाली मिलती हो, थाली में क्वांटिटी बहुत ज़्यादा होती है, तब आप लालच में आपकी कैपेसिटी के बियॉन्ड आप खा लेते हो। और वैसे भी दोस्तों आज के शाम के 4 बज चुके हैं, सुबह के ब्रेकफास्ट के बाद अभी तक हमने कुछ खाया नहीं था, तो हम सब ने ओवर ईटिंग कर ली है। लेकिन टच वुड, मैंने बहुत ही पर्याप्त मात्रा में ही खाना खाया है। वजह यह है कि दोस्तों अक्सर आप राइडिंग करते हुए अगर आप मात्रा से अधिक खाना खा लोगे तो पूरे राइड के दरमियान आपको नींद आने के चांसेस रहते हैं, जो कि बहुत ही घातक सिद्ध हो सकता है। दोस्तों मैं एक और बात आपसे कहूंगा कि जब जब आपको राइडिंग के दरमियान 2-3 घंटे की एक गैप लीजिए और हर 2-3 घंटे के बाद में एक एक्सप्रेसो कॉफी ले लीजिए। एक्सप्रेसो कॉफी यानी कि बिना दूध की कॉफी, जो कि स्ट्रॉन्ग कॉफी होती है, वो पीने से दोस्तों ये होगा कि आपको आलस नहीं आएगी, आप राइडिंग के दरमियान पूरे फोकस रहोगे और इस वजह से आपको एक बहुत अच्छी एनर्जी भी मिलेगी। तो दोस्तों मैं आपसे कहूंगा कि खाना पर्याप्त मात्रा में खाइए, ओवर ईटिंग मत कीजिए राइडिंग के दरमियान, और बीच बीच में कॉफी शॉट जरूर लेते रहिए। दोस्तों इस वक्त शाम के 6:45 हुए हैं और हमारा जो टारगेट समय था कराड़ पहुंचने का, वो था 6 बजे का। निर्धारित समय से हम 1.25 घंटा लेट भी है, लेकिन उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जर्नी इतनी खूबसूरत है, माहौल इतना खुशनुमा है कि मैं आपसे क्या कहूँ। सुबह बहुत ज़बरदस्त गर्मी थी, लेकिन इस वक्त क्लाइमेट पूरा चेंज हो चुका है। गियर्स काफ़ी पहने हुए, जैकेट पहना हुआ, हेलमेट पहना हुआ, लेकिन फिर भी हमें इस वक्त ज़रा भी ठंडी गर्मी नहीं लग रही, और हमें बहुत ही अच्छी ठंडी और खुशनुमा माहौल इस वक्त महसूस हो रहा है। दोस्तों जैसा कि आप देख भी सकते हो, इस वक्त शाम को, शाम पूरी तरह से ढली नहीं है, लेकिन फिर भी सामने चांद का दीदार हो रहा है। ये एक अपने आप में बहुत ही खूबसूरत माहौल है, खूबसूरत नज़ारा है। दोस्तों यकीन मानिए, बाइक राइड करते हुए ऐसे खूबसूरत नज़ारों को देखना, ये हर बार की तरह इस बार भी मेरे लिए एक बहुत ही अद्भुत नज़ारा है। दोस्तों 10 मिनट में हम यहाँ से होटल पहुँच जाएंगे और होटल का भी पूरा वीडियो शूट करूँगा, और वो भी मैं आपको जल्दी अपलोड करने वाला हूँ। आप इंजॉय कीजिए। इस वक्त सभी मेरे फेलो राइडर्स जो है लेफ्ट का इंडिकेटर दे रहे हैं, तो मेरे ख्याल से हम करीब करीब कराड़ की उस होटल में जहां हम आज रात को रुकने वाले हैं, जो कि आज की रात की हमारा स्टे है, वहां हम पहुंच चुके हैं। हम ठीक एक दूसरे के साथ, एक दूसरे के पीछे पीछे उसी दिशा में बढ़ रहे हैं जहां आज रात हम रुकने वाले हैं। शायद मेरे हिसाब से ये होटल जो इस वक्त मुझे सामने लेफ्ट में दिख रही है वही है, और मुझे इस होटल का नाम याद नहीं। मुझे सुबह हमारे सर ने कहा था, उन्होंने मुझसे इतना कहा था कि बहुत ही 5-स्टार प्रॉपर्टी, और नाम भी कहा था, लेकिन मुझे इस होटल का नाम इस वक्त याद नहीं आ रहा है। बट इतना ही काफ़ी है मेरे लिए कि होटल 5-स्टार है, तो रहने का बहुत ही, स्टे करने का बहुत ही मज़ा आने वाला है। तो ये अपने आप में बहुत अच्छा अनुभव होता है, जब आप थके हारे किसी होटल में जाते हो और होटल की प्रॉपर्टी बहुत अच्छी हो, तो आपकी सारी थकान जो है दूर हो जाती है। तो दोस्तों इस वक्त जो मेरे सामने होटल है, इस होटल का नाम है द फर्न रेसिडेंसी। हाँ, ये होटल के बारे में मैं आपको बता दूँ दोस्तों कि इंडिया में इनके कई दूसरे होटल्स हैं, चेन होटल्स हैं, और इनकी प्रॉपर्टीज़ बहुत ही खूबसूरत होती है। प्रॉपर्टी 5-स्टार कैटेगरी की होती है, रूम बहुत ही खूबसूरत होते हैं। तो अब मुझे इस बात को जान के बेहद खुशी मिल रही है, और मैं तहे दिल से KTM इंडिया को धन्यवाद दूंगा कि पूरे टूर के दरमियान उन्होंने एक से एक अच्छी प्रॉपर्टी हमारे लिए बुक की है। और ये जान के बहुत खुशी मिलती है कि फिर मैं कहता हूँ कि पूरे दिन जब आप इतने लंबी राइड करके किसी अच्छी होटल में स्टे करते हो, तो बस आप बहुत ही खुश महसूस करते हो और आपकी थकान जो है पूरी दूर हो जाती है। वंस अगेन थैंक्स टू KTM इंडिया।